Lahore itself has many attractions, but it is always fun when we leave Lahore for another city. This time it is Pak Patan. Today we are going to Pak Patan from Lahore, and it will take almost 2 to 3 hours to reach there because it is almost 220 kilometer miles away from Lahore, and there's lots of fog in our way. That's why there are traffic issues as well. रास्ते में शदीद धुंध है क्योंकि अभी फरवरी का महीना है और धुंध ने अभी अपने डेरे डाल रखे हैं। मौसम मॉडरेट है, यानी सर्दी में ज़्यादा शिद्दत नहीं है और सड़क की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल सफ़र अच्छा जा रहा है। रास्ते में एक हादसा रूनुमा हुआ हुआ है, एक ट्रक अपने साजो सामान के साथ उलट गया है। When you drive on the highways, these kinds of accidents usually happen and are very common, especially in Pakistan. Maybe very dense fog was the reason of this accident. Right now we are near Patogi, and here is heavy and very dense fog as you can see. So please hamesha drive carefully in the fog. Save your life and other lives as well. Yes. 3 घंटे का सफर 4 घंटों पे मुहित हो चुका है। शहर की मसरूफ तरीन और टेंशन ज्यादा जिंदगी से ब्रेक लेकर जब आप लाहौर से बाहर निकलते हैं और खुली फिजा में या हाईवे में ट्रेवल करते हैं तो नथिंग फील्स गुड देन दिस। इट फील्स लाइक हैविंग एडवेंचर। और जनाब, आखिरकार हम पहुँच ही गए हैं पाक पतन, अपनी मंजिल मकसूद पे, जहाँ सुकून ही सुकून है। So we have just reached in the village of Pak Patan, and you can see there is typical village environment here with the cows and fields on the other side. ये चक ढोला है। हम यहाँ एडवोकेट उमर शरीफ हंजरा के यहाँ इनवाइटेड हैं, यानी मेरे बच्चे अपनी कज़न की तरफ एक दिन स्पेंड करने आए हैं। ये गांव की खूबसूरती, यहाँ का गोबर, ये जनाब यहाँ का ड्रेन सिस्टम, कोई हाल नहीं। थापियाँ, ये गोबर की थापियाँ। गांव में हम जिनके यहाँ मेहमान थे उनकी खिदमत गुजार के घर भी जाने का इत्तेफाक हुआ। That was again a typical village house, partially made with the mud. People living here are really poor and their earning is hand to mouth because they have less sources to earn money in the villages. Walking in the middle of the fields with my husband really made me felt good as we both were enjoying a woodate in the fields. Ye hai mere husband Mazum Shahzad Rana, principal Lord's Law College, aur ye mujhe musalsal mana kar rahe hain ki main ki video na banaun. On the other side, my kids were having extreme fun at their cousin's place while eating sugarcane and other desi stuff. I'm eating sugarcane. You know, we are reaching up. Now, the sugarcane make my teeth strong and they just need to... पंजाब के खेत खलियान और ख़ास तौर पे सोने जैसी पीली खिलती लहलहाती सरसों की फसल के मंजर की खूबसूरती का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। पंजाब के देहातों की सारी खूबसूरती और फैंटसी बस इसी एक भरपूर नज़ारे में कैद है। सरसब्ज खेतों के दरमियान पगडंडी हो और वहाँ औरतें कपड़े ना धो रही हों, ये कैसे मुमकिन है। गांव की ख़वातीन इंतहाई मेहनतकश होती हैं, देहाती ज़िंदगी में सहूलियात की कमी का शिकवा कभी करती दिखाई नहीं देंगी। सर्दियों में गांव जाएं तो गुड़ बनने का प्रोसेस बहुत आम है।
हर 5 से 10 किलोमीटर के फासले पर खेतों की अतराफ में गुड़ बन रहा होता है। एक ज़माना था जब पंजाब के देहातों में गुड़ बनने का प्रोसेस किसी फेस्टिविटी से कम नहीं समझा जाता था। बूढ़े बड़े बच्चे ख़वातीन सब इकट्ठा होते और गुड़ बनने के बाद उनमें गुड़ तकसीम भी किया जाता था। खैर, अब वो ज़माने वो मोहब्बतें चाहते कहाँ। अब गुड़ बनता है तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मंडियों में बेचने के लिए। गन्ने की ताज़ा रॉ निकालने के बाद उसे पका कर गाढ़ा कर लिया जाता है और फिर एक खास कंसिस्टेंसी के बाद उसे लकड़ी के ब्लॉक पर हवा फिरने के लिए डाल दिया जाता है। जैसे ही आमेजा जरा जमने लगे तो हाथों से गुड़ को शक्ल दे दी जाती है। अभी मज़ेदार गुड़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जमाना जो भी हो, जो बात गुड़ और शक्कर के जायके और अफादियत में है, सफ़ेद चीनी यानी कि जहर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अपने बच्चों को ऑर्गेनिक मीठा खिलाने की कोशिश करें। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कराएं, जो तिब्बी एतबार से भी बहुत से फवायद का हामिल है। अपना और अपने बच्चों का लाइफस्टाइल हेल्दी रखने की कोशिश करें। गांव में अट्रैक्शन का एक और एलिमेंट वहां के मवेशी भी हैं, जो ऑब्वियसली शहरों में आपको उस तरह दिखाई नहीं देते जैसे वो विलेज लाइफ में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और आप अपने बच्चों के साथ गाय, भेड़, बकरी, मुर्गियों और चूज़ों को भी अपना ही बच्चा समझकर पाल रहे होते हैं। गांव में और बहुत सी फैंटेसीज में एक टिपिकल व्यू देसी मुर्गियां और उनके चूज़े भी हैं। चूज़े आजकल गांव में भी मशीनों के ज़रिए निकाले जाते हैं और फिर माँ के हवाले कर दिए जाते हैं और फिर ये चूज़े अपनी माँ के संग दाना दुनकर चुगना सीखते हैं। खेले और फिर मैंने वो शुगर कैंस खाए हैं और फिर मैंने देखा कि ब्राउन शुगर कैसे बनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं पाक पतन आया हूँ और बड़ा अच्छा गांव है ये। ये है वो जगह जहाँ हमारा स्टे था। खेतों के दरमियान में इंतहाई खूबसूरत पुरसकून जगह थी। जिसकी छत से लहलहाते सरसब्ज खेतों का मंजर दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। गांव में शाम का वक्त वैसे भी दिल मोह लेता है जब दो वक्त आपस में मिल रहे होते हैं। और जनाब, ये है मेरे लिए खालिस दूध की चाय। एक दिन पाक पतन गांव में भरपूर अंदाज में गुजारने के बाद नेक्स्ट डे हमारी वापसी का प्रोग्राम था। इस तरह के टूर्स आपके बच्चों के एक्सपोजर और सीखने सिखाने के लिहाज से भी मावन साबित होते हैं। नेचर की कुर्बत हर इंसान को अंदर तक खुशी और ताज़गी बख्शती है। हमारे होस्ट ने मेरे बच्चों को एक बहुत ही अच्छी नस्ल का पपी गिफ्ट किया और ढेर सारी सब्जियां, गुड़, खालिस ताज़ा दूध सौगात के तौर पर हमारे साथ ही रवाना भी की। एडवोकेट उमर शरीफ हंजरा, आफिया उमैर और रबाज डार्लिंग, आप तीनों की मोहब्बतों, चाहतों और मेहमाननवाजी का बेहद शुक्रिया। अब चलें लाहौर, क्योंकि कल फिर से एक नया दिन है और नए चैलेंजेस भी।